कथा के प्रथम दिवस में पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तजनों का, माताओं बहनों का, वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन। आज कथा का प्रथम दिवस हम सभी भक्तों की ओर से पूज्य देवी जी के पावन कमल चरणों में श्रद्धामय नमन। ब्रज वृंदावन की पवित्र धरती से ये पावन ज्ञान गंगा आपके अपने गांव तुलिन गांव की पवित्र धरती तक पहुंची है और निश्चय ही बड़भागी हैं तुलिन गांव की धरती पर विराजने वाले सभी भक्तजन, जिनके जीवन में ये पावन शुभ अवसर, ये पावन सौभाग्य आया है कि हम सभी आज से लगातार 7 दिवसों तक पूज्य देवी जी का पावन सानिध्य प्राप्त करते हुए उन्हीं की सुमधुर वाणी से कथा का दर्शन श्रवण करेंगे। कथा के जो श्रीमद् भागवत कथा समिति के द्वारा इस तुलिन गांव की पवित्र धरती पर कथा के मुख्य यजमान बनने का जो परम सौभाग्य प्राप्त किया है, सम्मानीय हेमंत पांडे जी सपत्नी मंच पर पधारकर पोथी पूजन अर्चन करते हुए आरती में सम्मिलित होने के लिए मंच पर ही रहेंगे। साथ ही साथ सम्मानीय जागेश्वर महतो साहब को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा, जिनके विशेष निवेदन पर ये पावन कथा इस तुलिन गांव की धरती तक पहुँची है और हम सभी इस पावन कथा का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप सभी का मैं पुनः स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए आज प्रथम दिवस की उस प्रारंभिक आरती की ओर हम सभी चलेंगे। वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में गौ सेवा धाम अस्पताल जो कि संचालित है ब्रज वृंदावन की पवित्र धरती पर, जहां पर लगातार निरंतर सतत बीमार, असहाय, लाचार, बेबस, घायल गौवंश का इलाज संचालित रहता है, ऐसी पावन गौवंश की सेवा में समर्पित ये पावन कथा, जिसका हम सभी रसामृत पिएंगे, रसास्वादन करेंगे। आज प्रथम दिवस की प्रारंभिक आरती की ओर हम सभी चलेंगे। सभी भक्तों से निवेदन, जो भी पंडाल में विराजमान है अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अपने मन में, अपने हृदय में भागवत जी का, बांके बिहारी जी का ध्यान करेंगे, सुमरन करेंगे और ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्धगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम निदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजां सनि पशु सनि लोके सन्यभय सनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोतु वन्नं वयोरेतो अस्मासु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। से है हंस गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ काल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सनमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिवन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्धनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः, पञ्चवदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओम। जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, तेहनाकं महिमानः शचन्द चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम। तत्पुरुषाय विद्महे, महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम। महालक्ष्मी च विद्महे, विष्णुपत्नी च धीमहि तन्ना लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम। नारायणाय विद्महे, वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाठलब्जै, पुनः गजाति करवीररसाले पुष्पै, बिल्वप्रवाले तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणि परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराणे की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधारानी सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती के बाद मैं एक बार पुनः पंडाल में उपस्थित सभी भक्तजनों का, माताओं बहनों का, या जो आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व से इस पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, ऐसी पावन कथा जो कि समर्पित है बीमार, असहाय, लाचार, बेबस गौवंश की सेवा में। गौ सेवा धाम अस्पताल जो कि ब्रज वृंदावन की पवित्र धरती पर स्थापित है। पूज्य देवी जी जो कि अपनी बाल अवस्था से ही मात्र 7 वर्ष की उम्र से अपनी सुमधुर वाणी में न केवल भारतवर्ष अपितु देश विदेशों में गौ भक्तों के दिलों में, भगवान के भक्तों के हृदय में भक्ति की, श्रद्धा की, आस्था की, सेवा की ऐसी दिव्य अलौकिक ज्योत जागृत कर रही हैं। लेकिन इस लंबी धर्म यात्रा में जब पूज्य देवी जी ने ये देखा, ये महसूस किया कि आज की स्थिति में, आज की परिस्थिति में गौ सेवा कितनी आवश्यक है। गौ सेवा यानी कि गौ माता की महिमा आप सभी ने श्रवण की होगी। हमारे वेद पुराण ग्रंथ और संतों ने बड़े ही अद्भुत गौ माता की महिमा गाई है। और वो गौ माता जो बड़ी ही करुणामयी है, बड़ी ही वात्सल्यमयी है, जिनकी सेवा, जिनकी रक्षा, जिनकी पूजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की। तब जब वो ब्रज वृंदावन की धरती पर अवतार लिया और अपनी लीलाओं के माध्यम से हम सभी को निर्देशित किया कि गौ माता भारतवर्ष का वो परम धन है। ऐसी प्यारी गौ माताओं की सेवा में जो ब्रज वृंदावन की धरती पर चाहे किसी गौशाला से हो या स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली गौवंश, जब उनके शरीर में कोई ऐसी घातक बीमारी, कैंसर, अल्सर या सड़कों पर चलते हुए जब कोई वाहन उन्हें ठोकर मारते हुए निकल जाते हैं, उनके शरीर पर कई प्रकार के जो गहरे जख्म हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, उन जख्मों को भरने का, उन घावों को भरने का जो पावन सेवा कार्य ब्रज वृंदावन की धरती से पूज्य देवी जी की पावन सानिध्य में संचालित है, ऐसी पावन अस्पताल के लिए गौ सेवा धाम अस्पताल की सेवा में समर्पित ये पावन कथा, जिसका आप सभी दर्शन श्रवण करते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं, आप सभी का वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट और गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तुलिन गांव की ये पवित्र धरती जो कि पश्चिम बंगाल में स्थापित है और पश्चिम बंगाल की पवित्र वसुंधरा वो पवित्र वसुंधरा है जहां पर स्वयं भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। ऐसी पवित्र धरती पर विराजकर इतनी पवित्र पावन कथा का हम सभी रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। लगातार सप्त दिवसीय इस पावन आयोजन से जुड़ने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूँ। इससे पहले कि हम सभी कथा की ओर चलें, आप सभी से यही निवेदन करते हुए कि गौ सेवा धाम अस्पताल में रोज प्रतिदिन लगातार सतत ऐसी बीमार घायल गौ माताओं का इलाज संचालित है। चाहे कितना भी महंगा ट्रीटमेंट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ऑपरेशन क्यों ना हो, वो सभी प्रकार के ऑपरेशन टूल्स, वो सभी प्रकार की दवाइयां, वो सभी प्रकार की औषधि गौ सेवा धाम के माध्यम से उन बीमार गौवंश को समर्पित की जाती है। एम्बुलेंस के माध्यम से घटना स्थल तक पहुंचना, गौवंश को गौ सेवा धाम तक लाना, उनका बिल्कुल निःशुल्क इलाज, न केवल उनका इलाज बल्कि जितने दिन तक वो गौवंश गौ सेवा धाम में एडमिट रहते हैं उनके रख रखाव की, उनके आहार की, उनके लालन पालन पोषण की सारी व्यवस्थाएं गौ सेवा धाम के माध्यम से निःशुल्क की जाती हैं। ऐसी पवित्र सेवाएं संचालित रहें, इसके लिए आप सभी भक्तजनों का यथावत सहयोग या यथावत सेवा नितांत आवश्यक है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आपके अपने गौ सेवा धाम के जो सेवा मोबाइल नंबर से वो दिखाए जा रहे हैं, प्रदर्शित किए जा रहे हैं। आप सभी आपके मन में जो भी पावन प्रकल्प, जो भी पावन सत्प्रेरणा जागृत होती है, आप अपने टेलीविजन पर दिखाए जा रहे मोबाइल नंबर पर संपर्क करते हुए गौ सेवा धाम के साधकों से बात करते हुए आप यथावत सेवा स्वीकार करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। जो भी पावन नाम कथा के मध्य में हम तक पहुंचेंगे, कथा के मध्य में हम सभी उन पावन नामों को आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व तक पहुंचाएंगे। आज के पावन दिवस में आपके परिवार में, आपके परिजनों में किसी का भी जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में मात्र 7,100 रुपये की राशि समर्पित करते हुए आप एक ऑपरेशन का सहयोग या सेवा स्वीकार कर सकते हैं। बीमार, असहाय, लाचार गौवंश के ग्रॉस के लिए यानी कि उनके आहार के लिए 1 ट्रॉली गौग्रास समर्पित करने के लिए निर्धारित सेवा राशि मात्र 11,000 रुपये, हरे घास के लिए मात्र 21,000 रुपये, गौ सेवा धाम की 1 दिवसीय संपूर्ण सेवा के लिए मात्र 51,000। यह स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले गौवंश को गोद लेते हुए उनके संपूर्ण जीवन की सेवा स्वीकार करने के लिए आप मात्र 1 लाख रुपए की राशि समर्पित करते हुए गौ सेवा धाम के ऐसे पावन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। आइए आज कथा का प्रथम दिवस और प्रथम दिवस की पावन कथा की ओर हम सभी चलेंगे। पूज्य देवी जी के पावन कमल चरणों में श्रद्धामय नमन करते हुए आइए हम सभी दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। Krishna तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजना सहितं कृष्ण चैतन्य सभी प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे सभी कुछ क्षणों के लिए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए हरे कृष्णा 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 हरे Rama प्रेम से ताली बजाते हैं। बोले श्री राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री गौ माता की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि। चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के प्रथम दिवस में आप हम सब प्रवेश करें। सर्वप्रथम इस बंगाल की धरा को प्रणाम, जहां पर श्रीमन महाप्रभु का प्रागट्य हुआ। उनके प्रागट्य से, उनके अवतरण से ये भूमि धन्य हो गई, क्योंकि संपूर्ण विश्व में प्रेम का परिचय कराने वाले कोई है तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। और उन श्री महाप्रभु जी की ये भूमि, पहली बात, प्रथम बात तो ये है कि महाप्रभु जी की धरा है ये बंगाल की भूमि। दूसरी बात, कथाओं के माध्यम से जब भी बंगाल में हुआ मैंने इसकी चर्चा भी की कि ये भूमि इसलिए भी प्रिय है क्योंकि हमारे जो गुरुदेव हैं वो भी इसी बंगाल की धरा पर उनका अवतरण हुआ, इसलिए और प्रिय हो गया। हमारे कथा में साथ में सभी जो सेवा प्रदान करते हैं उनमें अधिकांश सभी बंगाल की भूमि से हैं, और जो एकाध बाहर से हैं वो भी अब धीरे धीरे बंगाल में ही आने लगे, नेपाल छोड़ छोड़ के। तो इस बंगाल की भूमि पर, इस धरा पर अति कृपा सदैव बनी हुई है, क्योंकि इस धरा पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऊर्ध्व बाहु होकर के श्री ठाकुर जी को पुकारा। ये वो भूमि है जहां श्री महाप्रभु जी के अश्रु इस पृथ्वी पर गिरे हैं, इस धरा पर गिरे हैं, और उनके चरण पड़ने से, उनके अश्रुओं की बूंद इस धरा पर पड़ने से ये धरा महान हो गई। इसलिए मैं इस बंगाल की भूमि को हृदय से प्रणाम करती हुई, जैसे ब्रज की भूमि महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं कि वृंदावन धाम, ब्रज की भूमि, उसका शब्दों में वर्णन करना असंभव है। वैसे ही इस बंगाल की धरा पर जो प्रेम की वर्षा श्री महाप्रभु जी ने की है उसको भी शब्दों में वर्णन करना असंभव है। दिव्या की सामर्थ्य नहीं है कि उन शब्दों से वो उस प्रेम का वर्णन कर सके। तो हम आप सब इस भागवत को आपके इस ग्राम तुलिन में बंगाल की धरा पर श्रवण कर रहे हैं और विगत 7 दिनों तक इसका श्रवण पान करेंगे। दुनिया में बहुत सारे काम तन बल से होते हैं, ध्यान से सुनेगा। दुनिया में बहुत सारे काम तन बल से होते हैं, बहुत सारे काम धन बल से होते हैं और बहुत सारे काम मनोबल से होते हैं। कोई काम ऐसा है जो धन से ही हो सकता है, कुछ काम ऐसे हैं जिनके आगे धन फीका है, वहां तन काम आता है, और कोई कोई स्थान ऐसा है जहां तन भी हार मान जाता है किंतु मनोबल जीत जाता है। इसलिए कोई काम तन बल से होता है, कोई काम धन बल से होता है, कोई काम मनोबल से होता है, किंतु भगवान की कथा ना तो तन बल से होती, ना मनोबल से होती, ना धन बल से होती। भगवान की कथा केवल और केवल उसकी कृपा बल से होती है। उसकी कृपा होती है तब ही ये भगवान की कथा हो सकती है, अन्यथा हम कितना भी प्रयत्न करें, हम कितना भी प्रयास करें, हमारे हाथ में नहीं है। यही एक ऐसी चीज है जो इंसान के हाथ में नहीं, वो भगवान के हाथ में। हम कब, कहाँ, कितने बजे, कितने मुहूर्त, कितने समय ये सत्संग शुरू होगा, विश्राम होगा, ये आज से नहीं, हमारे जन्म से पहले ही निर्धारित हो चुका है। बस हमको दिखने में अब दिखाई देता है, किंतु ये पहले से निश्चित हो चुका है। सब कैलेंडर में पहले डेट, टाइम सब फिक्स हो चुका है। बस इतना है कि वो कैलेंडर केवल भगवान ही देख सकता है, इंसान नहीं देख सकता। बाकी निश्चित तो सब पहले से। जब धूप का ताप बढ़ता है, जब बहुत गर्मी अभी गर्मी प्रारंभ हुई है, अब जब बढ़ेगी गर्मी, धूप का ताप बढ़ेगा, तो लोग क्या कहेंगे, प्रभु अब तो बस बारिश हो जाए, थोड़ी ठंडक हो जाए। तो जब बाहरी ताप बढ़ता है तो वो वर्षा से खत्म होता है, और जो मन का भीतरी ताप बढ़ता है अशांतियों का, क्लेशों का, तो वो जब भगवान की सत्संग रूपी वर्षा होती है तब जाकर के शांत हो सकता है। मन के ताप को नष्ट करने का काम केवल और केवल सत्संग का। एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए, अच्छा एक बात बताइए, आप सबको हिंदी तो समझ आती है ना सबको? अच्छा चलो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अपने सभी भाइयों से पूछ के 1-2 लाइन बंगला भी बोलूंगी ताकि आप सब खुश हो जाएं, क्योंकि अपनी भाषा तो अपनी भाषा ही होती है। चाहे दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, किसी ने सच ही कहा है, आप कोई भी दुनिया की भाषा सीख लो, लेकिन जब आपको गुस्सा आता और जब गाली निकलती तो अपनी भाषा में निकलती। क्यों? क्योंकि वो दिल से जुड़ी हुई होती है। तो एक उदाहरण से और समझिए, जैसे आप कोई मंदिर जाते हैं, आप बिहारी जी गए, आप श्रीनाथ जी गए, तो वहाँ क्या है कि भक्तों को बिल्कुल गर्भगृह जो है, यानी ठाकुर जी का जो मूर्ति का स्थान है, वहाँ बिल्कुल नजदीक नहीं जाने दिया जाता, थोड़ा दूर खड़ा कर दिया जाता, वहीं से दूर से दर्शन कीजिए। श्रीनाथ जी की हवेली है, द्वारिकाधीश जी की हवेली है, तो जो कुछ बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती है उनको दूर ठाकुर जी दिखाई नहीं देते क्योंकि बहुत दूरी पर है। तो वो क्या करती है, तो वो एक छोटी सी जो दूरबीन आती है आंख पर लगाने वाली, वो दूरबीन को आंखों में लगाते हैं और उस दूरबीन पर आगे एक लेंस लगा होता है, जिससे क्या होता है, प्रभु की मूर्ति तो है ही इतनी दूर, लेकिन जब वो दूरबीन लग जाती है तो वो दूर मूर्ति भी अपने आप नजदीक आ जाती है, वो बिल्कुल नजदीक लगने लगती है। वैसे हमारे और भगवान के बीच में बहुत दूरी है, वो बहुत दूरी पर बैठे हैं और हम बहुत दूरी पर बैठे हैं, दिखाई नहीं देते। तो कैसे दिखाई देंगे? बोले तुम सत्संग रूपी दूरबीन लेकर के और सतगुरु की कृपा रूपी लेंस जब उसमें लगा करके भगवान को देखोगे तो वो भगवान जो तुमसे इतने दूर थे वो सत्संग के प्रभाव से एकदम तुम्हारे पास आ जाएंगे, एकदम नजदीक आ जाएंगे। जो भगवान इतना दूर लगता था वो बिल्कुल अपने नजदीक लगने लगेगा, वो बिल्कुल अपना प्रिय लगने लगेगा। दुनिया विषय है बुद्धि से समझने का, किंतु सत्संग विषय है हृदय से समझने का, दिल से समझने का। यहाँ बुद्धि का काम नहीं है, बुद्धि से इसको समझने का प्रयास करोगे तो बुद्धि धोखा दे जाएगी। इसलिए सत्संग को बुद्धि से नहीं, सत्संग को दिल से समझा जाता है। तो इन 7 दिन अपनी जो बुद्धि है उसको अपने घर ही छोड़ के आइएगा। आप सोचे अरे हमें तो कथा आती है, या जो टीवी पर सुन रहे वो कहेंगे हमने तो 500 बार सुन चुकी, अब क्या करें सुन के। तुम बोलोगे उससे पहले हम बता देंगे अब आगे कथा में क्या आने वाला है। लेकिन जब तक खाली नहीं होगे, एक आदमी ने एक संत के पास जाके कहा, महाराज मुझे दीक्षा चाहिए, वैसे तो मुझे सब कुछ आता है, देखिए मैंने इतनी बड़ी एक पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा है मैंने, भागवत पर भाष्य लिखा है, इतना बड़ा भाष्य लिखा है मैंने, पर गुरु नहीं है, तो विचार किया आपको गुरु बना लूं। तो गुरुजी ने क्या कहा, बोले दीक्षा हम तब देंगे, पहले जो तुमने इतना मोटा जो ग्रंथ बना इसको थोड़ा छोटा करके लाई। तो चला गया, उसने उसमें से थोड़ा काट पीट के वो इतनी मोटी पुस्तक और छोटी बना दी। फिर आए संत के पास, बोले महाराज अब दीक्षा दे दीजिए। तो संत ने कहा कि अभी नहीं, अभी और छोटा करके आए तब दीक्षा मिले। वो फिर गया, फिर उसने छोटी की, उसको 10-15 पन्ने की बना के लाया। बोले महाराज अब तो दे दीजिए। बोले नहीं, अब ये और छोटी करके लाया, तो 1 पेज करके लाया, बस 1 पेज पर लिखा हुआ था। संत ने कहा अभी नहीं, अभी और छोटी करके ला। बोले महाराज इससे छोटी क्या करूं? बोले मुझे नहीं पता, पर छोटी करके ला। अगली बार वो क्या किया, अगली बार 1 पन्ना लाया, उस पर कुछ भी लिख के नहीं लाया, खाली पन्ना ले आए, संत को दिखाया। और जैसे संत ने देखा तो संत ने कहा कि बेटा अब आ जा, अब तू दीक्षा के लायक हो गया। क्यों? बोले जब तक तेरा पेज पहले से ही भरा हुआ है तो उस पर भला मैं क्या लिख सकता हूं? खाली पन्ने पर ही तो कुछ लिखा जा सकता है। अगर तुम्हारी बुद्धि में सब कुछ पहले से लिखा है तो मैं भला क्या लिखूं? पहले उस पन्ने को खाली करना पड़ेगा, तब जा करके उसमें कुछ नया लेख लिख पाओ। पर्वत पर बारिश का पानी नहीं टिकता, लेकिन जहां खाली स्थान हो, गड्ढा हो, वहां के पानी रुक जाता। वैसे बुद्धि जब तक भरी है, इस भरी बुद्धि में और कितना डालोगे? तो क्या करना पड़ेगा, इस बुद्धि को पहले खाली करना पड़ेगा, तब जाके कुछ नया भर सकता है। वरना आप तो कहोगे 2 दिन पहले ये बिहार में कथा सुना रहे थे, अब बंगाल में सुनाने लगे। कब तक सुने? इस बुद्धि में कितनी भरे। और बात भी सच है, जब तक पिछला खाली नहीं होगा तब तक नया आगे कुछ भरेगा, पिछला क्लियर करना पड़ेगा, तब आगे जाके कुछ नया लिखा जा सकता। तो इस मन को प्रभु चरणों में समर्पित करते हुए हम और आप सब इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेंगे। और मुझे विश्वास है भले ही ये क्षेत्र गांव का है, किंतु इतना मुझे यकीन है कि आप सब अगर बंगाल की भूमि से हैं तो आप सबको ज्ञान से अधिक प्रेम होगा, है कि नहीं? अच्छा चलो आप ही बता जी, पहले दिन की आज कथा है, आपको जैसे डॉक्टर पूछता है ना भैया तुमको इंजेक्शन चाहिए या गोली चाहिए जब कोई बीमारी होती है, तो आपसे आज पहले ही दिन मैं पूछ लूं, आपको ज्ञान वाली कथा चाहिए या प्रेम वाली चाहिए? कौन सी? प्रेम वाली। भगवान की इस दिव्य कथा को हम सब रसास्वादन करेंगे। विगत 7 दिनों तक अपने मन को प्रभु चरणों में अर्पित करते हुए इस सत्संग को जीवन में धारण करेंगे। एक कोई राजकुमार था, राजा का बेटा, बहुत बड़ा राजकुमार है। अब राजकुमार ने क्या किया, बहुत मदरा पी, उस राजकुमार ने बहुत शराब पी ली और इतनी शराब पी कि वो अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूं, और सड़क पर पड़ा है और आते जाते जितने भी लोग हैं सबसे कह रहा है भैया कोई मुझे एक बार राजा से मिला दो, कोई एक बार राजा से मिला दो, जबकि उसी का पुत्र है, पर मदरा इतनी पी ली कि उसको भान नहीं रहा। तो उसी राज्य का जो वजीर था, जो मंत्री था, वो उसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा राजकुमार चिल्ला रहा है, फटे वस्त्र पहने हुए हैं, गंदे कपड़े पहने हुए, चिल्ला रहा है मुझे राजा से मिला दो, राजा से मिला दो। तो वो मंत्री समझ गया कि इसने शराब पी है और जरूर इसको नशा चढ़ा है। तो उसने क्या किया, बोले राजा से मिलना है? राजकुमार ने कहा हाँ मिलना है। बोले ठीक है मेरे साथ बैठो, और उसको लेके जंगल में चला गया। जंगल में क्या किया, उसने उस राजकुमार को बहुत घी पिलाया। तो ऐसा कहते कि घी पिलाने से जो नशा होता उतर जाता है। तो उस राजकुमार को घी पिलाया, जब घी पिया तो धीरे धीरे उसका नशा खत्म हो गया। और जब नशा खत्म हुआ और उस वजीर ने, मंत्री ने दर्पण देके उसको अपना चेहरा दिखाया, होश उसको आया, तब अचंभित हुआ, कहा रे ये गंदे वस्त्र, ये सब क्या हालत बना रखी है मैंने, लाओ मेरे अच्छे वस्त्र लाओ, तलवार लाओ, मुकुट लाओ। अब क्या हुआ, बोले नशा उतर गया और अपनी पहचान हो गई। वैसे क्या है, वैसे ही हमने विषयों का नशा किया हुआ है। हम राजकुमार हैं यानी हम ईश्वर के पुत्र हैं, पर अपनी पहचान खुद नशे में भूल गए हैं और चिल्ला रहे हैं कोई हमें भगवान से मिला दो, कोई हमें भगवान से मिला दो। लेकिन जब कहीं चलते चलते रास्ते में कोई गुरु रूपी मंत्री मिलता है और फिर वो जब हमें सत्संग रूपी घी पिलाता है, तब सत्संग रूपी घी पी करके हमारा नशा उतरता है और तब पहचान होती है कि हम भिखारी नहीं, हम तो उस ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जीव अविनाशी। भगवान ने स्वयं कहा है कि जीव ईश्वर मेरा ही अंश है, पर माया में पड़ करके अपने आप को भूल गए और बस फिर चिल्ला रहा है कोई मुझे भगवान से मिलाओ, कोई भगवान से मिलाओ, जबकि भगवान तो उसके बिल्कुल करीब है, बिल्कुल नजदीक है। इसलिए कथा क्या है, कथा मोहनिशा सब सोवनहारे। कथा क्या करती है, कथा जगाने का काम करती है। हम सब सोए हुए, किसमें सोए हुए, मोहनिशा में सोए हुए। किस चीज का मोह है, किसी को धन का मोह है, किसी को कपड़ों का मोह है, किसी को गाड़ी का मोह है, सब मोह में सोए हुए हैं। अब इसको जगाने का काम कोई करेगा तो वो केवल और केवल सत्संग है। इसलिए किसी ने सच कहा है, एक पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक वो पर्वत से जुड़ा। आपके आसपास बड़े सारे पर्वत हैं, आपको दिखाई देते हैं आते जाते, बड़ा सुंदर लगता है। तो अगर एक पर्वत से कोई पत्थर टूट के नीचे गिर जाए तो फिर क्या होगा? उसको कोई घर ले जाएगा, घर में लगाएगा, या उसको कहीं सीमेंट सड़कों पर लगाया जाएगा, कुछ भी उसका बनाया जाएगा। तो एक पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक पर्वत से जुड़ा है, और एक पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक वृक्ष से, पेड़ से जुड़ा। वैसे ही जैसे एक पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक पर्वत से जुड़ा है, एक पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक वृक्ष से जुड़ा है, और एक मनुष्य भी तब तक सुरक्षित है जब तक वो सत्संग से जुड़ा है। सत्संग से दूर हुआ नहीं कि माया ने उसको पकड़ा नहीं। इसलिए भगवान के चरणों में अगर मन को लगाना है तो सत्संग से जुड़ा रहना पड़ेगा। और आप इतिहास देख लीजिए, जो सत्संग से जुड़ा है माया उसको कभी स्पर्श नहीं कर पाई। इसलिए हमें इन 7 दिनों में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है, अपनी इंसानियत को पहचानना है। आज के समय में इंसान नहीं मरा, आज के समय में इंसानियत की हत्या हुई। इसलिए हम इन 7 दिनों में प्रयास करेंगे कि हमारे अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव हो, हमारे अंदर कथा सुनकर के और भाव जगे। हो सकता है पहले एक बार कथा सुने तो उतना आनंद ना आए। वैसे आपके यहाँ शायद कथा हो चुकी है, जितना मुझे सूचना प्राप्त है।